नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। प्लास्टिक दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, आग बुझाने में लगी दमकल विभाग की 20 से अधिक गाड़ियां। जबलपुर में लगातार अग्नि हादसे हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर अग्नि हादसे के 4 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इसके पहले थाना गोहलपुर क्षेत्र के एक लकड़ी के टाल और फर्नीचर के दुकान में लगी आग ने लाखों का सामान जलाकर राख कर दिया था। और ताजा मामला देर रात थाना ओमती क्षेत्र के भर्तीपुर स्थित कृष्णा प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने का है। भीषण आग लगने से गोदाम में रखे लाखों रूपये के प्लास्टिक के गिफ्ट आइटम के साथ अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गये। देर रात लगी आग का मुख्य कारण ग्यारस की रात लोगों द्वारा की जा रही आतिशबाजी को बताया जा रहा है। इधर घने मार्केट में लगी आग को बुझाने नगर निगम के 25 दमकल वाहन की मदद से आग पर देर रात को पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। इस अग्नि हादसे में गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ, क्योंकि जैसे ही आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था उसी दौरान आसपास के दुकानदार और उसमें काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान बचाकर सड़क की ओर भाग निकले थे। फिलहाल इस पूरे अग्नि हादसे की थाना ओमती पुलिस जाँच कर रही है। बारह बजे कभी सूचना मिली कि हमने भगते हुए आए यहाँ पर, गाड़ी पागल गई, फिर गाड़ी से गाड़ी आई, पीछे साइड से आग लगी हुई और भी सब कमरे के गाड़ी जल गई है। सब फ्लाइट का आयोजन रहा, गरम वगैरह चप्पी वगैरह अभी हम मंगाल लगा ली। टोटल लाइन की दुकानें थी, हाँ टोटल लाइन की दुकान है, पीछे भी है और सामने साइड की दुकान है। आप किस तरह से सबसे ज्यादा लेंगे? आज कौन पीछे साइड हमारा मंगल प्लाट थे। भाई कितनी दुकानों में आग लगी? चार दुकानें हैं, चारों दुकानों में आग लगी हुई है। प्लास्टिक का आइटम है, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? अभी नुकसान तो नहीं बता सकते हम लोग। कैसे क्या क्या लगता है आपको, कैसे लगी होगी? अब जिसका तो अनुमान है वो नहीं है अभी हम लोग को। कितने बजे की बात है ये? यही 12 बजे, 12:30 के बीच के बाद है। टोटल कितनी दुकानें होंगी यहाँ? है दुकान, यहाँ तो 10-12 दुकानें हैं, सब प्लास्टिक आइटम है। कहाँ है आपका नाम? क्या है? मोहम्मद इमरान। भैया बताइए कितनी दुकानों में आग लगी थी और क्या सूचना? लगभग 12 बजे करीब 4 बजे की सूचना आई कि दर्शन करा गुरंगी में फायर हुआ है। मौके पर तत्काल 4 वाहन रवाना किए। लगभग 12-14 दुकानों में आजू है जो आग लग चुकी थी। हमारे दमकल वाहन 12 से 15 लगे हुए हैं और आग काबू। किस चीज की दुकानें थी यहाँ पे? गुरंगी में जो करार होता है उसी की दुकान है। प्लास्टिक की दुकान? प्लास्टिक की आप नहीं, अभी नहीं बता सकते, वो दुकानदार ही बता सकता है। प्रभारी साहब की इच्छा राजेंद्र। क्या सूचना थी, कहाँ पे आग लगी थी? ये आग लगने की सूचना मिली थी झूलेलाल मंदिर के पास में, एक दुकान में आग लगी है। वो बड़ा भारी गोदाम था, उसमें प्लास्टिक का भारी सामान रखा हुआ,
आग बुझाने में बड़ी दिक्कत पड़ रही थी हमको, फिर भी हम लोग ने प्रयास किया। हमारी 15-20 गाड़ी में पानी ला रही थी, वो आग बुझाने में का प्रयास कर रहे थे। आपका नाम? और मैं मदन लाल शर्मा, फायरमैन। जबलपुर की थाना गोरखपुर क्षेत्र में आने वाली अनीता बिहार कॉलोनी के लोग उन्हें मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब कॉलोनी वासियों ने पुलिस की शरण ली है। दरअसल अनीता बिहार कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर ने लोगों को कॉलोनी में हर मूलभूत सुविधाओं का प्रलोभन देकर अपने मकान बेचे थे, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अब सुविधाएं बिल्डर द्वारा उन्हें नहीं दी गई। इतना ही नहीं, रहवासियों ने इसकी शिकायत नगर निगम से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक की, बावजूद इसके इन्हें कहीं से राहत नहीं मिली और आखिर में अब सभी रहवासियों ने थाना गोरखपुर पुलिस की शरण ली है। अब देखना ये होगा कि सभी जगह से मायूस इन रहवासियों को पुलिस कब और कैसे राहत पहुंचाती है। गणेश अनीता बिहार कॉलोनी में रहते हैं। कल दिवाली की रात में, कल 11 का दिन था, पूरा घुप अंधेरा रहा वहाँ पे। जो गणेश धनगर साहब हैं, उन्होंने इस मूलभूत सुविधा से हमें वंचित कर दिया है और ये चाहते हैं कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी बिजली का बिल हम लोग पे करें, जो पॉसिबल नहीं है। जब तक कॉलोनी हैंडओवर नहीं होगी, हम कुछ किसी तरह का कोई पेमेंट उनको नहीं करना चाहते। सारी जिम्मेदारी उनकी है, उनको ही पेमेंट करना है। और पिछले 3 सालों से उन्होंने हद से ज़्यादा हमें परेशान कर दिया है। हर 3रे-4 महीने में लाइट कट जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज 3री बार हम थाने में आके यहाँ खड़े हुए हैं, तो हमने TI साहब से अभी आवेदन दे के ये बोला है कि सर किसी तरह से आप इनसे बात करके ये हमारी लाइट की समस्या को सॉल्व किए। TI साहब का आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी हम आप इसको करवाते हैं। बुलाया उन्होंने, फ़ोन लगाया तो बोला कि ठीक है मैं आके करता हूँ। नाम आपका? जाहिद हसन। बिहार कॉलोनी की निवासी हैं और हमारी जो कॉलोनाइजर हैं गणेश धनकर जी, उन्होंने पिछले कल 3 वर्षों से परेशान करके रखा है। हर साल पानी वो बिजली का बिल भरते नहीं है, जब बिल 50,000 से ऊपर हो जाता है तब जाके वो बिल भरना बंद कर देते हैं और कॉलोनी वाले से परेशानी करते हैं। कल शाम से 4 बजे से पानी बंद है। हमने उनको बुला के पूछा भी कि भैया आपने भरा क्यों नहीं है, और कहते हैं कि नहीं कॉलोनी बनाई है, आप पैसा दीजिए। हम पैसा दे रहे हैं उनको, लेकिन कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और मूलभूत सुविधा के लिए ना गेट बनाया गया है वहाँ पे, ना साफ सफाई होती है, और बिजली बिल निर्माण का जो भर रहा है वो रहवासियों से मांग रहे हैं कि 8.5 का बिल जो 12,000 का निवासियों का होता है, तो 8.5 का बिल भरने के लिए निवासियों से बोल रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य अभी कॉलोनी का पूर्ण नहीं हुआ है और उसे पूर्ण होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। और नगर निगम को ये अभी तक पूर्ण कॉलोनी का हैंडओवर नहीं किया गया, हैंडओवर करने के बाद ही कॉलोनी वासियों से पैसा आप ले सकते हो, उसके बाद भी अवैध वसूली की जा रही है। मेरा नाम नफीस खान है। आर्मी फाइटर प्लेन सुखोई 30 की गड़गड़ाहट से गूंजा आसमान। जबलपुर में शुक्रवार की सुबह आकाश से भारतीय एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। सभी लोग घरों की छतों पर जा पहुंचे। फाइटर प्लेन शहर के करीब 4-5 चक्कर मारे, जिसके बाद पूरे शहर में चर्चाओं का दौर चल पड़ा। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर स्थित एयरफोर्स के सेंटर से उड़ान भरे सुखोई 30 फाइटर प्लेन ने जबलपुर पहुंचा था। सैन्य सूत्रों ने बताया कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, चूंकि जबलपुर के कजरवारा कैंट क्षेत्र में एयरफोर्स का राडार स्थापित है, इसलिए फाइटर प्लेन को जबलपुर तक भेजा गया था। सैन्य अभ्यास के लिए एक सुखोई फाइटर प्लेन ने जबलपुर के करीब 4-5 चक्कर काटे और वापस ग्वालियर हवाई पट्टी पर लैंड कर गया। वहीं जबलपुर की थाना मदल महल में देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि स्मार्टन नाला ऑफिस के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ जुआरी ताजपत्तों पर रुपयों के हाजिर का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं।
सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां कुछ जुआरी ताश पत्तों पर जुआ खेलते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम क्रमशः अमित अग्रवाल निवासी छोटा पुहारा मिलौनीगंज गोरखपुर, शाहिद खान निवासी बैदराना मोहल्ला गढ़ा, सचिन शर्मा निवासी कंचनपुर अधारताल, खालिद खान निवासी बैदराना मोहल्ला, अविनाश मिश्रा तुलसीनगर थाना कोतवाली बताए। जुआरियों के पास एवं फड़ से ताश के 52 पत्ते एवं 5,570 रुपए जब्त किए गए। जुआरियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जिसमें 5 जुआरी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ताश के पत्ते और नकदी लगभग 5,500 रुपए जब्त किए गए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।